गई थी सारा तला तीन पे, ये सब खुदरा वगैरह खरीद के लेके आई है। बाकी मेरे लिए वो टमाटर दिलवाई है, तो इधर भी है। तो दोस्तों ये ले लिया मैंने खजूर, चलो पहुंचा देते हैं इसको। पूरे 4 घंटा लगातार इधर उधर भागता रहा मैं। तो देखो हमारे रूम पे कौन शैतान आया है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा था कि मैडम को मैं हॉस्पिटल में छोड़ के जहाँ पे खड़ा था, आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। तो आज मैं यहीं से वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। देखो आज भी कल जैसा वही 12 बजे खलास होगा। तो अभी 12 बजे नहीं वाला है, अब मैं जाऊँगा वो मैडम को लेने के लिए, और मैडम को छोड़ने के बाद अपना रूम पे जाऊंगा। तो चलो देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12:05 हो रहा है, मैं इधर आके खड़ा हो गया हॉस्पिटल के बाहर। अब देखो मैडम को बाहर आती है। आज धूल मिट्टी बहुत उड़ रहा है, बहुत हवा चल रहा है, पूरा धूल मिट्टी उड़ रहा है। तो दोपहर के 12:30 हो रहा है, और अभी मैडम को मैं लाके छोड़ा, वो 12:20 पे बाहर आई थी। 20 मिनट में उधर ही खड़ा था बाहर में, और बाकी अभी भी ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है। ये जो लाल वाला फूल वाला घर है जहाँ से मैं वो खजूर वगैरह लेके जाता हूँ, तो अभी खजूर लेने जा रहा हूँ। वो खजूर लूँगा और खजूर लेके पहुँचाऊँगा कफिल के घर पर, फिर अपने रूम पे जाऊँगा। तो ये 12 बजे वाला ड्यूटी सिर्फ 12 बजे का ऐसे नाम का रहता है, 12:30-1 हो ही जाता है। तो देखो सामने ये है, इस घर से लेना है खजूर। तो आ गया मैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये ले लिया मैंने खजूर, चलो पहुँचा देते हैं इसको। तो आ गया मैं कफिल के घर पे। तो खजूर मैंने दे दिया, मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, खाना वगैरह गर्म करके खाना खाऊंगा। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने रूम की तरफ। ये है अपना सुपर मार्केट बकाला, और अपने रूम में जो वो टेलर है जो कि सिलाई का काम करते हैं, तो वो कल खप्सा मंगाए थे, तो उसमें से आधा खप्सा मुझे दिया अभी खाने के लिए। तो जैसे कि कल रात को मैंने अंडा बना के खाया था, दोपहर के लिए भी रखा था, तो अभी खप्सा मिल गया। तो अभी जा रहा हूँ मैं खप्सा खाने, और उसके लिए अभी लेता हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक लेके अपना खप्सा वगैरह खा लेते हैं। तो ले लेता हूँ एक ड्यू 2 रियाल वाला। तो देखो ये है खप्सा, और अपना रूम पार्टनर आ गया। तो ये इस तरह में बना हुआ है। तो ये मैंने चावल रख दिया इधर, तहत लगा दिया। अब चलो इसको चूल्हे पे रखते हैं गर्म होने के लिए। तो देखो हमारे रूम पे कौन शैतान आया है। बोल दादाजी, अरे जाना। मैं और एक बंगाली इधर क्या करने आया है, दावत खाने आया। तो देखो दावत खाने आया है अपना सिराज मास्टर के घर पे, मास्टर के रूम पे। दोनों गांव वाले हैं ना, बस्ती बस्ती। हाँ ये भी बस्ती वो भी बस्ती। जब मैं सिवान जा रहा था तो बस्ती दिखाया था मैं ट्रेन से। तो दोस्तों सुबह हो गया, मैं उठ गया, फ्रेश हो गया, मुँह धोकर। अभी मैं बस्ती में हूँ, मेरे दोस्त के गांव में जो सिराज है सऊदी में, उसके गांव में हूँ मैं बस्ती में। बस बस्ती के पास गोरखपुर, उसके बाद सिवान। अभी सुबह का 6 बज रहा है, 10 बजे तक सिवान में पहुँच जाऊँगा गोविंद नगर। और मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि जो मैंने अंडा चावल खा लिया था उससे पेट खराब हो गया था। रात भर कई बार गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ मैं। इधर पानी भी नहीं है किसी किसी बाथरूम में। ये देखो ये हमारा ट्रेन रुका है, 2 मिनट के लिए रुका है बस। तो दोस्तों 5:22 हो रहा है, और मैं ये कफिल के वाइफ को लेने आया था, तो वो गई थी सारा तला तीन पे, ये सब खुदरा वगैरह खरीद के लेके आई है। बाकी मेरे लिए वो टमाटर दिलवाई है, तो इधर भी है। तो अभी वो सामान उतारने के बाद ये सामान दी है, ये इस घर में देना है।
ये वही है डब्बा जो खजूर लेके जाता हूँ मैं हमेशा, और बाकी इसमें मिठाई वगैरह है थैली में। उसके बाद बैंक वाली मैडम ने एक रिकॉर्डिंग भेजा है लोकेशन, वहाँ पे जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेना है। तो चलो वो सामान तो दे दिया मैं, बाकी अब चलते हैं वो लोकेशन पे। तो देखो ये लोकेशन पे आया तो मैं फ़ोटो खींच के भेजा हूँ, यहीं से पता नहीं क्या लेके जाना है, अभी बात करा देता हूँ मैडम का। तो ये 70 रियाल का बिल कटा है, यहीं से ऑर्डर हुआ है, दिखाता हूँ यहाँ पे वो सब मिलता है, ये वाला देखो। पैंतीस का है, तो दो ऑर्डर की है 70 का। तो दोस्तों ये ऑर्डर ले लिया मैंने यहाँ से, अब वो बता ही नहीं है कि कहाँ पे पहुँचाना है, उसके घर पे पहुँचाना है कि कफिल के घर पे, फ़ोन लगा रहा हूँ तो उठा नहीं रही है। तो ये रिकॉर्डिंग भेजी है, ये कफिल के घर पे पहुँचाना था, दे देता हूँ, आ गया हूँ मैं। तो दोस्तों अब ये सामान मिला है, ये बैंक वाली मैडम के घर पे पहुँचाना है। तो दोस्तों ये सामान लेके मैं पहुँच गया इधर बैंक वाली मैडम के घर पे, अब ये दे देता हूँ। अब ये बैंक वाली मैडम ने ऑर्डर दे दिया कि खुदरे में जाओ, वहाँ से मैं फ़ोन करके बात करूँगी जो जो ख़रीदना है। और देखो टमाटर बसल क्या क्या बोल रही थी, तब जा रहा हूँ मैं इधर आसपास में खुदरे के दुकान में। तो ये आ गया मैं इधर खुदरे में, तो देखो ये है इधर का खुदरा, और देखो ये बैंक वाली मैडम का सामान है, टमाटर है, प्याज है और खीरा है, बाकी और लेना है बगदोनस जीर जीर। तो ये बैंक वाली मैडम का सामान ले लिया, बाकी इन लोगों से मैंने हदिया में गिफ्ट में ये अदरक मांग लिया था, क्योंकि अदरक भी मेरा ख़त्म हो चुका था, टमाटर अदरक हो गया, बाकी इसी से अपना चिकन बनाएंगे आज। तो आ गया मैं मैडम के घर पे, अब चलो ये सामान दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये बैंक वाली मैडम को तो खलास हो गया, बाकी वो कफिल की वाइफ फ़ोन करके बोली कि 3 रियाल का समोली लेके आओ घर पे। एक साथ इन लोगों का याद नहीं आ रहा है, 6:30 हो गया, आज खाना बनाना है, और देखो कितना दौड़ा रही है लोग। पेट्रोल का पैसा मांगा था तो नानी याद आ गई थी, बोले थे कि तुम ही डलवा दो हम कल देंगे। तो चलो अब समोली खरीद के ले जाके दे देंगे। तो दोस्तों आ गया मैं ये मार्केट में अजनेर हबिया, ले लेता हूँ समोली। तो दोस्तों रात के 9:30 हो रहा है, समोली पहुँचाने के बाद कफिल की वाइफ बोली थी रुको मैं साथ में कहीं चलूँगी, तो साथ में इधर एक आई है फार्म हाउस में पीछे, जो कि नाम है व्यू, ये अलराजी मस्जिद के पास में है। तो देखो ये बड़ी वाली मस्जिद के पास में ये फार्म हाउस है, यहीं पे पार्टी कर रही है लोग, और बोली है कि रात को जब मेरा ख़त्म होगा तो मैं बुलाऊँगी, तो आना लेने के लिए। तभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, देखो 4 घंटे बाद। तो जैसे कि देख रहे हो 7:41 हो रहा है, 4 बजे का निकला हुआ, अब मैं इधर आया अपने रूम पे, पूरे 4 घंटा लगातार इधर उधर भागता रहा मैं। चलो अब जो मैंने सोच रखा था मुर्गी बनाने का, मुर्गी नहीं बनाऊंगा, इतना थक गया हूँ मैं, तो जो कल का 2 अंडा बचा था वही अंडा बना के भुर्जी अपना रोटी खाएंगे। तो दोस्तों अपना अंडा का भुर्जी बन चुका है, और ये रहा 4 निकाल लिया हूँ, बाकी रोटी और ये पानी, अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करवा के। The next day. तो दोस्तों कल रात को मैं इंतजार करता रह गया, इंतजार करते करते 2 बजे तक इंतजार किया मैं वो कफिल के वाइफ को लाने के लिए फार्म हाउस से, मुझे लगा कि वो फोन करेगी रात को, तो मैं इंतजार करता रहा, मगर वो किसी और के साथ आ गई और मुझे सस्पेंस में रखी रही। यही होता है यहाँ पे, ये लोग सस्पेंस में रखे रहते हैं और हम लोग इंतजार करते हैं, डरते हैं कि कहीं फोन आएगा, उसके वजह से ना खाना बनाने का जाते हैं ना कुछ भी करने जाते हैं, ऐसे इंतजार करते रहते हैं कि हाँ मैडम का फोन आ सकता है, तो कभी भी भाग के जाना पड़ेगा। ऐसे इंतजार करते करते रात के 2 बज गया, तब मैं सो गया, मुझे पता चल गया कि हाँ वो किसी और के साथ आ गई है, वो फोन करके नहीं बताई थी, या ना ये लोग बताते हैं कि हाँ हम लोग आ गए हैं, तुम अपना आराम से सो जाओ चाहे कुछ भी करो, नहीं ये लोग सस्पेंस पर रखी रहती है लोग, और अपना काम करती रहती है लोग। तो यही इस वीडियो में बताना था,
तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय सलाम, टेक केयर।